राइट फ्रेंड्स, अभी आप जस्ट रेफर करिए, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 6.9, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 6.9, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 6.9, ये रिलेवेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग में जो अपन ने लास्ट पार्ट किया था ना, कॉस्ट कॉन्सेप्ट इन डिसीजन मेकिंग, राइट, रिलेवेंट कॉस्टिंग वाला पार्ट है। सोमेस ऑफ आगरा प्रेजेंटली ऑपरेट्स इट्स प्लांट 80% ऑफ द नॉर्मल कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट ओनली टू मीट द डिमांड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। अंडर द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही सप्लाइज द प्रोडक्ट फॉर ₹4 लाख एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स रियलाइजेशन। डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट इज कॉन्स्टेंट, द इनडायरेक्ट कॉस्ट एज पर हिज बजट प्रोजेक्शन 20,000, बिकॉज ही इज वर्किंग एट 80% कैपेसिटी, और 80% पे हम लोग कितना बना रहे हैं 20,000, देन 90% एंड देन 100%। ही हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर द प्रोडक्ट इक्वल टू 20% ऑफ इट्स प्रेजेंट ऑपरेशन। एडिशनल पैकिंग चार्जेस ऑन दिस ऑर्डर इज 1,000, अराइव एट द प्राइस टू बी कोटेड फॉर द एक्सपोर्ट ऑर्डर टू गिव हिम ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 10% ऑन एक्सपोर्ट प्राइस। पहले देखो, गिवन करके लिखते हैं अपन, दिस इज गिवन, राइट। व्हाट इज योर फुल कैपेसिटी? योर फुल कैपेसिटी इज, बिकॉज प्रेजेंटली यू आर वर्किंग 80% कैपेसिटी एंड यू आर प्रोड्यूसिंग 20,000, इट मीन्स योर फुल कैपेसिटी इज 25, ओके। What is your present capacity utilization? Your present utilization is 20,000 units. It means what is the balance left to you? Balance left to you is 5,000 units. Okay. He has received an order for the product 20% of present operation. So present operation अपना कितना है 20? It means 20,000 का 20% आपको क्या आएगा, इट मीन्स दिस कम्स टू 4,000 एंड यूनिट्स, ओके। इसका मतलब इन दिस केस योर फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटली इरेलेवेंट। आपका जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है, जो भी आपका फिक्स कॉस्ट है, वो क्या हो जाएगा, टोटली इरेलेवेंट। इट मीन्स योर फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट। आपका फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, आपका फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटली इरेलेवेंट। आपका टोटल इरेलेवेंट हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट, ओके। अब आप देखिए, ओके, आपका फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटली इरेलेवेंट। एट प्रेजेंट अपना जो सेल्स अमाउंट है, अपना सेल्स अमाउंट है 4 लैक्स। एट प्रेजेंट हमारा सेल्स अमाउंट कितना है, एट प्रेजेंट हमारा सेल्स है 4 लैक्स। उसके दो पार्ट, एक प्रॉफिट और एक कॉस्ट। प्रॉफिट 20% ऑफ 4 लैक्स इज 80,000 एंड आपका कॉस्ट है 3,20,000। अब इसके दो पार्ट, एक आपका डायरेक्ट कॉस्ट और एक आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपको क्या क्या दे रखा है, इट मींस वेरिएबल है 80,000। आपका सेमी वेरिएबल है 40,000 और आपका फिक्स्ड है 80,000। इट मींस दोनों मिलके हो गए 2 लैक्स, ऑल थ्री मिलके 2 लैक्स, और ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगा 1,20,000। सही है सुनो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? एट प्रेजेंट हमारा सेल कितना हो रहा है 4 लैक, एट प्रेजेंट हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 20% ऑफ 4 लैक इज 80,000, तो कॉस्ट हमारा 320 में से वेरिएबल कॉस्ट 80, सेमी वेरिएबल 40, फिक्स्ड 80, टोटल 2 लैक। इट मीन्स मेरा डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा, मेरा डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा 1,20,000।
मेरा डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा, मेरा डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा 1,20,000। सही है, सुनो, 1,20,000 मेरा क्या हो जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट मेरा क्या हो जाएगा 1,20,000। अब देखिए, अब इसमें अगर अपन रिलेवेंट कॉस्ट की बात करें तो अगर हमको ये ऑर्डर मिलता है 4,000, तो ये हमारा रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगा पूरा की पूरा, ये हमारा रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगा पूरा की पूरा। लेकिन उसके दो पार्ट हो जाएंगे, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। फिक्स्ड आपका इरेलीवेंट रहेगा, वेरिएबल आपका रिलेवेंट हो जाएगा, और ये टोटली आपका इरेलीवेंट हो जाएगा। सही है, सुनो, फिक्स कॉस्ट आपका क्या हो जाता है, मैंने क्या लिखा आपको, फिक्स कॉस्ट इज टोटली इरेलीवेंट, आपका फिक्स कॉस्ट इज टोटली आपका क्या हो जाएगा। तो इसका भी सेमी वेरिएबल में भी दो पार्ट रहेंगे, वेरिएबल एंड फिक्स। इसका मतलब फिक्स इरेलीवेंट हो जाएगा, वेरिएबल रिलेवेंट हो, और इसमें ये होगा। ओके, अब इसका अगर अपने को निकालना है, अगर अपने को ये देखना है कि वेरिएबल कितना है और ये कितना है, तो अपन इक्वेशन बना के कर सकते हैं। मैंने आपको डिसीजन मेकिंग के फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इट मीन्स योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, और ये पूरा सॉल्यूशन आपको दे रखा है पेज नंबर 6.10 मेरा जो सॉल्यूशन बुक है। आप जरा कॉन्सेंट्रेट करिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू एक्स एंड फिक्स कॉस्ट इक्वल टू वाई, इट मीन्स योर 20,000 एक्स एक्स प्लस वाई, और ये आपका 22,500 एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका 40,000 और 42,500। सॉल्व किया, वाई एंड वाई गेट कैंसिल, 2,500 एक्स इक्वल टू 2,500 एंड एक्स इक्वल टू 1। तो 1 रुपी पर यूनिट हम लोग एट प्रेजेंट कितने यूनिट्स बना रहे थे, दिस इज योर प्रेजेंट सेल्स है आपका 20,000 यूनिट्स। इसका मतलब आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 20,000 इंटू 1, और आपका फिक्स कॉस्ट कितना हो गया 20,000। तो ये इरेलीवेंट, ये इरेलीवेंट, ये रिलेवेंट है, ये रिलेवेंट है, और ये रिलेवेंट है। सही है, सुनो फ्रेंड्स। और फिर मैं आपको कभी कभी एग्जामिनर आपको पूछता भी है कि सॉल्व द प्रॉब्लम बाई इंक्रीमेंटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या डिफरेंशियल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, राइट? तो उससे भी मैं आपको करके बता देता हूँ। ओके, अब आप आ जाइए, दिस इज योर फाइनल आंसर, स्टेटमेंट शोइंग एक्सपोर्ट प्राइस, स्टेटमेंट शोइंग एक्सपोर्ट प्राइस, एंड दिस कम्स टू 4,000 यूनिट्स। फर्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट, ओके, अब आपका डायरेक्ट कॉस्ट कितना था, डायरेक्ट कॉस्ट था 1,20,000 व्हेन द यूनिट्स वाज 20,000, इट मींस 1,20,000 व्हेन द यूनिट्स इज 20,000 इनटू 4,000, इट मींस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 20 इनटू 4 इज 24। ओके, देन इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज व्हाट इज ए वेरिएबल, वेरिएबल इज 80,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इनटू 4,000 इज 16,000। सेमी वेरिएबल में वेरिएबल 20 तो 4 के लिए कितना है जी 4,000। आपका फिक्स क्या हो जाएगा इरेलीवेंट, अनदर फिक्स क्या हो जाएगा इरेलीवेंट, एंड आपका पैकिंग कॉस्ट इज 1,000। सो योर टोटल कॉस्ट इक्वल टू 24 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 इज 45। ओके, एंड यू वॉन्ट ए प्रॉफिट 10% ऑन एक्सपोर्ट प्राइस, सो सपोज
अगर आपका एक्सपोर्ट प्राइस है 100 तो आपका प्रॉफिट होगा 10 और आपका कॉस्ट होगा 90। ओके, तो आपका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, 45 इंटू 10 बाई 90 एंड दिस कम्स टू 5000। तो आपका एक्सपोर्ट प्राइस हो जाएगा, एक्सपोर्ट प्राइस आपका हो जाएगा इज ए 50,000। आपका जो एक्सपोर्ट प्राइस है, आपका जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो आपका एक्सपोर्ट प्राइस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बोलो 50,000 से क्लियर अमाउंट। पहला अपन ने क्या किया फ्रेंड्स, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग एक्सपोर्ट प्राइस 4,000 यूनिट्स, डायरेक्ट कॉस्ट 120,000 डिवाइडेड 20,000 24, इनडायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल 80 जो अपन ने निकाला था, ये 80 ये रिलेवेंट हो जाएगा, ये रिलेवेंट हो जाएगा, इसका ओनली वेरिएबल रिलेवेंट होगा, फिक्स इरेलेवेंट और इसका भी फिक्स इरेलेवेंट। सही है, सुनो ये 16,000 आपका हो गया सेमी वेरिएबल में, वेरिएबल 20 के लिए तो 4 के लिए 4,000, फिक्स आपका इरेलेवेंट, फिक्स आपका इरेलेवेंट, पैकिंग आपका 1,000, टोटल कॉस्ट आपका 45, प्रॉफिट 45, 10 बाई 90 एंड एक्सपोर्ट प्राइसेस 50,000। सही है सर ऑप्शन। अब इसी को हम लोग डिफरेंशियल कॉस्ट कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट, डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर एज पर डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखिए जरा, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये फ्रेंड्स कि आपके पास सॉल्यूशन प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है, तो आपको पूरा मेरे ये फॉर्मेट पे ध्यान देना है, राइट, एक बार फॉर्मेट समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा। स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस एच पर डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, इट मींस तीन कॉलम आपके मैं बना देता हूं, ये आपका प्रेजेंट, ये आपका प्रपोज्ड, ये आपका डिफरेंशियल और इंक्रीमेंट। ओके, दिस इज 20,000 यूनिट्स, 24,000 यूनिट्स एंड 4,000 यूनिट्स। फर्स्ट इज ए डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट आपको गिवन है 1,20,000। ओके, सो 1,20,000 इज फॉर 20, तो 24 के लिए क्या हो जाएगा, इट मीन्स 1,20,000 इज फॉर 20 इंटू 24 इज 1,44,000 एंड दिस कम्स टू इंक्रीमेंटल 24। पहले आपका लग रहा था 120, अब आपका लगेगा 144, तो इंक्रीमेंटल आपका ये आ गया। देन इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले आपका वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 80,000, राइट, वेरिएबल कॉस्ट आपका 80,000। नाउ 80,000 इज फॉर 20,000, तो देन 4 के लिए कितना इज
96 and this comes to 16,000. Then सेमी वेरिएबल में आपका सेकंड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल में आपका वेरिएबल कॉस्ट पहले क्या था 20,000, 20,000 फॉर 20 तो 24 के लिए एंड दिस कम्स टू इंक्रीमेंटल 4,000. ओके, फिक्स्ड सेमी वेरिएबल फिक्स आपका कितना था 20, अभी भी कितना रहेगा 20. फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट अप टू 100% कैपेसिटी. फिक्स कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट अप टू 100% कैपेसिटी, ये आपका फिक्स्ड हो जाए. फिर फिक्स्ड आपको दे रखा है 80,000, ये आपको दे रखा था ना फ्रेंड्स, ये आपको दे रखा है 80,000, ये आपको निकाला था 20,000, ये 80,000, और अभी भी आपका क्या रहेगा 80,000, इट मीन्स निल. देन आपका पैकिंग कॉस्ट निल 1,000 इंक्रीमेंटल 1,000, आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा 24 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 इज 45,000. दिस इज योर टोटल कॉस्ट, राइट. सपोज इफ योर एक्सपोर्ट प्राइस इज 100, तो आपका प्रॉफिट है आपका 10 और आपका कॉस्ट है 90. ओके, और अगर आपका कॉस्ट है 45,000 तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 45 × 100 डिवाइडेड बाई 90 एंड दिस कम्स टू 50,000. 50,000 × 10 और आपका प्रॉफिट हो जाएगा 5,000. ये 10%, ये 90%, सही है. सुन, तो ये कभी कभी आपको, अगर आप एग्जामिनर कभी कभी बोल देता है कि अगर नहीं बोला है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर आपका ये आंसर हो गया खत्म करके ना. लेकिन अगर एग्जामिनर आपको बोलता है कि नहीं, सॉल्व द प्रॉब्लम बाई डिफरेंशियल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या प्रेजेंट योर आंसर इन डिफरेंशियल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, तो फिर आपको ऐसे ही करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपका एग्जैक्टली सेम है. क्वेश्चन नंबर 8 एग्जैक्टली सेम है, पेज नंबर 6.11 पे आप जरा देख लेना. क्वेश्चन नंबर 8 एग्जैक्टली सेम है एंड दिस इज योर पेज नंबर 6.11 पे, वो आप जरा देख लीजिए, राइट. अभी अपन इसी पर चल रहे हैं आपका ना, कॉस्ट कॉन्सेप्ट इन डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट पे हम लोग चल रहे हैं. तो आप जरा बराबर से देख लीजिए करके ना, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आप मुझे बताइए करके ना फ्रेंड्स. सही है, सुनो, परफेक्टली क्लियर होना. ओके, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 एंड पेज नंबर 6.13. क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 6.13. फास्टनर्स लिमिटेड इज हैविंग प्रोडक्शन शॉप रिकॉग्नाइज कॉस्ट सेंटर, ठीक है. ईच शॉप चार्जेस अदर शॉप फॉर मटेरियल सप्लाइड एंड सर्विसेज रेंडर्ड. द शॉप आर मोटिवेटेड थ्रू गोल कॉन्ग्रुएंस, ऑटोनोमी एंड मैनेजमेंट एफर्ट्स. फास्टनर्स लिमिटेड इज हैविंग अ वेल्डिंग शॉप एंड पेंटिंग शॉप. आपकी कंपनी का नाम क्या है? फास्टनर्स लिमिटेड. इट मीन्स फास्टनर्स लिमिटेड दिस इज नोट नंबर 1. फास्टनर्स लिमिटेड इज हैविंग अ वेल्डिंग शॉप एंड पेंटिंग शॉप. इट मीन्स एक आपका है वेल्डिंग शॉप एंड दूसरा आपका है पेंटिंग शॉप. फास्टनर लिमिटेड हैविंग ए वेल्डिंग शॉप एंड द वेल्डिंग शॉप वेल्ड एनुअली 75,000 परचेज्ड आइटम
विथ अदर 150,000 शॉप मेड पार्ट्स इंटू 12,000 असेंबलीज। इट मीन्स ये इनपुट डालता है पार्ट्स, ओके, और अपन को निकल के आता है असेंबली, ओके। सो इसने इनपुट डाला है 75 + 150 = 225, और उससे आपको असेंबली निकल के आया है 12,000 नंबर्स। द असेंबली आर हैविंग ए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 9.5 एंड आर सोल्ड इन द मार्केट एट द रेट ऑफ 12. आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन 80% डाइवर्टेड टू पेंटिंग शॉप एट ए सेम प्राइस इन द मार्केट, ओके। इट मीन्स क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, द वेल्डिंग शॉप वेल्ड एनुअली 75,000 परचेज आइटम्स विथ अदर 150,000 मेड पार्ट्स इंटू 12,000 असेंबली। द असेंबलीज आर हैविंग वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 9.5, आपका वेरिएबल कॉस्ट है 9.5 एंड आर सोल्ड इन द मार्केट, इट मीन्स आपका सेलिंग प्राइस है 12 rupees, आपका सेलिंग प्राइस है 12. आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन 80% इज डाइवर्टेड टू पेंटिंग शॉप, इसका मतलब इसमें से 80% ऑफ 12,000, इट मीन्स 9,600 आपका यहाँ जाएगा, ओके, और 20% ऑफ 12,000, इट मीन्स आपका 2,400 नंबर्स यहाँ पे जाएगा, ओके, एट द रेट ऑफ सेम सेलिंग प्राइस ऑफ 12, इट मीन्स आपका सेलिंग प्राइस और ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, सेम, एट द सेम प्राइस सोल्डिंग इन द मार्केट। वेल्डिंग शॉप इनकर ए फिक्स कॉस्ट ऑफ 25,000, आपका फिक्स कॉस्ट है 25,000, आपका फिक्स कॉस्ट है 25,000। द पेंटिंग शॉप इज फिक्स कॉस्ट इज 30,000, इसका फिक्स कॉस्ट है 30,000, इसका फिक्स कॉस्ट है 30,000 एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग price from welding shop comes to 20 rupees per unit. The shop sell all units transfer to and the cost of painting including transfer price. इसका मतलब इसका वेरिएबल प्राइस है 20 में आपका ट्रांसफर प्राइस है 12 एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट है 8 rupees. The shop sell all the units transferred to it by welding shop at the rate of 25. You are required to find out the profit for individual cost center and overall profit of the concern. Recommend course of action if the painting shop wishes to purchase its full requirement at a market price of 10 per assembly. Either from open market or from welding shop market at the rate of 10. चलो उसको बाद में देख लेते हैं. Find out the profit of the individual cost center. देखो पहले मैं वापस से आपको पूरा revise कर देता हूँ. Fasteners Limited is having production shop Rikung as a cost center. Each shop charges other shop for material supplied and services rendered. The shop are motivated through goal congruence, autonomy and management efforts. Fasteners Limited is having a welding shop and painting shop. The welding shop welds annually 75,000 purchase items with 150,000 shop made parts into 12,000 assembly. ये आपका input है और ये आपका क्या है output है. The assembly are having a variable cost of 9.5. variable cost है and sold in the market at the rate of rupees 12, ये आपका 12 rupees. Out of the total 80% diverted to 12,000 total production है, 80% of 12,000 it means 9600.
सेम प्राइस इन द वेल्डिंग शॉप इनकर ए फिक्स कॉस्ट ऑफ 25,000, आपका फिक्स कॉस्ट कितना है इज ए 25,000, द पेंटिंग शॉप इज ए 30,000, ये आपका फिक्स कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इंक्लूडिंग ट्रांसफर प्राइस इज 20, इसका मतलब 20 है आपका ट्रांसफर प्राइस, 12 है तो अदर आपका क्या हो जाएगा 8. द शॉप सेल ऑल द यूनिट्स ट्रांसफर टू इट बाई वेल्डिंग शॉप एट द रेट ऑफ 25, ठीक है. यू आर रिक्वायर्ड फाइंड आउट द प्रॉफिट इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर एंड ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न. तो एकदम ईजी है करके ना कि आपको प्रॉफिट निकाल के बताना है, और एक ही फॉर्मेट में मैं आपको पूरा सॉल्व करके दे देता हूँ. राइट, आप आ जाइए. इट मीन्स योर स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सही है सोनो फ्रेंड्स, राइट. पहला अपन ले लेते हैं, फिर मैं आपको दोनों पर कहता हूँ. पहले आप ले लीजिए आंसर नंबर ए. आंसर नंबर ए, राइट. ये आपका वेल्डिंग डिवीजन. ओके, सबसे पहले आप ले लीजिए वेल्डिंग डिवीजन में सेल्स. वेल्डिंग डिवीजन में सेल्स. सेल्स कितना कर रहा है? 2,400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12. ओके, देन यू गो टू ट्रांसफर प्राइस 9,600 इंटू 12, ठीक है. देन यू गो टू वेरिएबल कॉस्ट 12,000 इंटू 9.5, फिक्स्ड कॉस्ट 25,000, और ये आपका आ जाएगा 24,000 इट मीन्स 2,400 इंटू 12 28,800 रुपीज. ओके देन ओके ये आपका ऑल फिगर इन रुपीस, और ये आपका है 12,000 यूनिट्स का हिसाब किताब. ओके, इट मीन्स 9,600 इंटू 12 115,200, देन 12,000 इंटू 9.5 114, 28,800, 115,200 माइनस 114,000 माइनस 25,000, आपका प्रॉफिट आ जाएगा 5,000. ये आपका हो जाएगा ए पार्ट. सही है सुनो, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. पहला वेल्डिंग डिवीजन कितना प्रोडक्शन कर रहा है? 12,000. सेल्स आउटसाइडर को 2,400 क्योंकि 80% डाइवर्ट कर रहा है तो ट्रांसफर प्राइसिंग मिलेगा. वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस कर दो, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया. फिक्स कॉस्ट आप माइनस कर दो और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा. दिस इज योर आंसर नंबर ए.
अब आप आ जाइए दूसरा डिवीजन का। दूसरा डिवीजन क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए जरा, इट मींस ये आपका कंटिन्यू है, यहां तक अपना प्रॉफिट आ गया था, ए का प्रॉफिट एंड लॉस 5000, ए डिवीजन, इट मींस योर प्रॉफिट एंड लॉस इज 5000। ओके, नाउ यू गो टू पेंटिंग डिवीजन, बी इज ए पेंटिंग डिवीजन, बी इज ए पेंटिंग डिवीजन, व्हाट इज योर सेल्स, पेंटिंग डिवीजन, व्हाट इज योर सेल्स, सेल्स इज 9600 × 25, सेल्स इज 9600 × 25, वेरिएबल कॉस्ट 9600 × 20, 9600 × 20, फिक्स्ड कॉस्ट इज 30000, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस बी का, एंड देन ए प्लस बी इज प्रॉफिट एंड लॉस। 9600 × 25, 240000, 9600 × 20, 192, ओके, सो 240 माइनस 192 माइनस 30 इज ए प्रॉफिट ऑफ 18000, 23000, सही है, सुनो, परफेक्टली क्लियर ऑन आउट। ये आपका हो गया पहला पार्ट, फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। कंसर्न का टोटल मीन्स कंपनी का टोटल प्रॉफिट है 23, उसमें से 18 पेंटिंग का है और 5 आपका इसका है, बराबर, सही है सुनो फ्रेंड्स। और इंडिविजुअल है मीन्स दोनों का अलग अलग निकलेगा, मैंने बताया था परफॉर्मेंस एनालिसिस में भी ये आपका आएगा। ओके, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स आंसर बी में। आंसर बी में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, रिकमेंड द कोर्स ऑफ एक्शन इफ द पेंटिंग शॉप विशेष टू परचेज इट्स फुल रिक्वायरमेंट एट द रेट ऑफ 10 फ्रॉम द मार्केट, इधर फ्रॉम ओपन मार्केट और फ्रॉम, वो वेल्डिंग कंपनी को बोल रहा है, फास्टनर्स लिमिटेड की दो डिवीजन है, एक है वेल्डिंग और एक है पेंटिंग। पेंटिंग डिवीजन बोल रहा है कि भाई मैं तो आपको 10 रुपये दे सकता हूँ, एट प्रेजेंट हम लोग कितना दे रहे हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, एट प्रेजेंट वो हमको ट्रांसफर प्राइसिंग करके दे रहा है 12 रुपीज में, एट प्रेजेंट हमको कितने में दे रहा है 12 में, ये बोल रहा है भाई मैं तो आपको 10 दे सकता हूँ, आपको देना है तो दो, नहीं तो आई विल परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लाई। अब डिसीजन किसको लेना है, डिसीजन लेना है वेल्डिंग को, डिसीजन किसको लेना है वेल्डिंग को। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि दैट लेडी जो रहेगी वो आपको बोलेगी टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट, टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट, टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट, आपके पास एक ही मिनट है और ये पूरा आंसर आपको करना है, तो आप लिख सकते हैं इन द अबव केस योर फिक्स कॉस्ट इज टोटली इरिलेवेंट, क्योंकि आप ट्रांसफर करो या आप ट्रांसफर मत करो फिक्स कॉस्ट तो आपको लगने वाला है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट इज ओनली रिलेवेंट। आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है 9.5 और डिवीजन कितना देने को तैयार है 10, तो अभी हमको 50 पैसे का प्रॉफिट है और कितने यूनिट्स हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं 9600, सो 9600 × 0.5 आपको 4800 का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, 4800 का आपको क्या हो जाएगा इज ए प्रॉफिट हो जाएगा, 4800 का आपको क्या हो जाएगा, 4800 का आपको क्या हो जाएगा इज ए प्रॉफिट हो जाएगा, सही है सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हो नॉट प्रॉपर। तो आप अल्टीमेटली इसका जो
फाइनल जो आंसर आएगा वो 4800 का प्रॉफिट है, इसका मतलब इसको ट्रांसफर करना चाहिए। अब देखो इसके अंदर दो पार्ट है, या तो पहला पार्ट ये है कि ये वेल्डिंग डिवीजन 12,000 यूनिट्स बनाए, 2400 सेल करे एट द रेट ऑफ 12 और 9600 ट्रांसफर करे एट द रेट ऑफ 10, या फिर वो 2400 बनाए वेल्डिंग डिवीजन और उसको बोले कि भाई 9600 आप बाहर से ले लो करके। सही है सुनो, तो पहला आंसर आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी प्रोडक्शन इज 12,000 एंड आंसर नंबर बी पार्ट टू, ये आपका पार्ट वन, 2400 यूनिट्स। इट मीन्स 2400 ट्रांसफर एट द रेट ऑफ 12 एंड 9600 ट्रांसफर एट द रेट ऑफ 10, 96,000। 2400 इंटू 12 28, पूरा कंसंट्रेशन आप यहाँ पे रखो कैलकुलेशन पे, क्योंकि मैंने आपको प्रिंट करके पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, राइट, पूरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। वेरिएबल कॉस्ट आपका आएगा 1,14,000, क्योंकि 12,000 इंटू 9.5, सो 12,000 इंटू 9.5 1,14,000, और फिक्स कॉस्ट आपका 25, इट मीन्स 28,800 प्लस 96,000 लेस 1,14,000 लेस 25 इज 14,200 का अपने को क्या हो जाएगा, इज ए लॉस। किसको? डिवीजन इसको। और अगर ये नहीं बेचता है, ओनली 2400, तो 2400 इंटू 12, 2400 इंटू 12 इज 28,800, देन 2400 इंटू 10, नहीं सॉरी ये तो आएगा ही नहीं, पूरा की पूरा 2400 ही प्रोडक्शन किया और उसने सेल कर दिया, ये निल, ये वेरिएबल कॉस्ट 2400 इंटू 9.5, 2400 इंटू 9.5 इज 22,800 और फिक्स कॉस्ट आपका 25,000। 28,800 माइनस 22,800 माइनस 25,000 इज लॉस आपका। अब देखो लॉस कितने से बढ़ गया, इट मीन्स 19,000 माइनस 14,200 आपका लॉस कितने से बढ़ गया, 4800 से। मतलब आपको 9600 यूनिट्स बेचनी ही चाहिए क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपका सेलिंग प्राइस 10 है, फिक्स कॉस्ट इरेलेवेंट है, वेरिएबल कॉस्ट 9.5 है, तो पर यूनिट पे आपको कितना मिला, 10 माइनस 9.5 इज 50 पैसे, 10 माइनस 9.5 आपको कितना मिल रहा है, 50 पैसे, 50 पैसा इंटू 9600 आपका 4800। तो अगर आप नहीं बना के बेचते तो आपको लॉस कितने का होगा, अगर ये बाहर से लेता है तो कंपनी को और आपको लॉस कितने का होगा, 4800, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, ये आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं, यहां तक आपको परफेक्टली क्लियर हुआ कि नहीं बोलो फ्रेंड्स, यहां तक आपको एकदम प्रॉपरली क्लियर हुआ या नहीं, यहां तक आपको परफेक्टली क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलिए प्रॉपर। अब आप आ जाइए सेकंड, अब ये सेल करेगा राइट, ये सेल करेगा, इसका सेल तो सेम ही है, 9600 इंटू 25 और 9600 इंटू 25, ओके, दिस कम्स टू 2,40,000, दिस कम्स टू 2,40,000,
9600 इंटू, अब देखो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या था, आपका वेरिएबल कॉस्ट था 8 और ट्रांसफर प्राइसिंग आपको मिल रहा है 10 में, तो 10 प्लस 8 इट मीन्स 9600 इंटू 18 172 800 आपका फिक्स कॉस्ट 30,000 आपका फिक्स कॉस्ट 30,000 प्रॉफिट 240 माइनस 172.8 माइनस 30 इज 37,200 ये आपका प्रॉफिट क्या आया था 14,200 का लॉस और ये आपको क्या आया था 19,000 का लॉस बराबर सो 14,200 माइनस 37,200 देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 23 मतलब कंपनी को तो प्रॉफिट सेम रहेगा क्योंकि इंटरनल है आपका एक एक डिवीजन ने लॉस किया दूसरे ने प्रॉफिट किया लेकिन अगर आप बाहर से लेते हो तो आपका लॉस 4,800 से बढ़ जाएगा क्योंकि फूड डिवीजन को लॉस हुआ तो कंपनी को सब ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा 240 माइनस 172,800 माइनस 30,000 इज 37,200 माइनस 19,000 इज 18,200 तो कंपनी का जो लॉस है वो कितने से बढ़ जाएगा पहले हो रहा था प्रॉफिट 23 अब हो रहा है इट मीन्स 4,800 से आपका लॉस बढ़ जाएगा इसका मतलब कंपनी को क्या करना चाहिए कंपनी शुड प्रोड्यूस 12,000 यूनिट्स एंड ट्रांसफर 9600 एट द रेट ऑफ रुपीज 10 कंपनी ट्रांसफर एट द रेट ऑफ रुपीज 10 कंपनी शुड ट्रांसफर एट द रेट ऑफ रुपीज 10 सही है सर कंपनी शुड ट्रांसफर एट द रेट ऑफ रुपीज 10 कंपनी शुड ट्रांसफर एट द रेट ऑफ रुपीज सही है सर कंपनी शुड ट्रांसफर एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ओके तो क्या पूछ रहा है अपने से गिव रीजंस एंड योर रिकमेंडेशन सो कंपनी शुड ट्रांसफर टू डिवीजन पेंटिंग एट द रेट ऑफ 10 बिकॉज देर इज ए इंक्रीमेंटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4,800 सही है सर परफेक्टली क्लियर और आपको एक इंटरेस्टिंग सम कराता हूँ And this is your question number 10. आप जरा रेफर करिए क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 6.14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है आपको मजा आना चाहिए ये क्वेश्चन में तो प्लीज आप जरा देखिए दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10 एंड पेज नंबर 6.14 ए बी साइकिल हैज टू डिविजन्स ए एंड बी विच मैन्युफैक्चर बाय स्किल डिवीजन ए प्रोड्यूस बायस्किल फ्रेम एंड डिवीजन बी असेंबल रेस्ट ऑफ बायस्किल बाय द ऑन द फ्रेम देर इज ए मार्केट फॉर सब असेंबली एज वेल एज फाइनल प्रोडक्ट ईच डिवीजन हैज बीन ट्रीटेड एज ए प्रॉफिट सेंटर द ट्रांसफर हैज बीन सेट द लॉन्ग रन एवरेज मार्केट प्राइस द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल टू ईच डिवीजन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज 3,000 लॉन्ग रन एवरेज मार्केट प्राइस सब असेंबली 2,000 इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग सब असेंबली इन डिवीजन बी इज 1,500 इंक्रीमेंटल कॉस्ट इन डिवीजन ए इज 1,200 रिक्वायर्ड इफ डिवीजन ए इज मैक्सिमम कैपेसिटी इज 1,000 इफ डिवीजन ए इज मैक्सिमम कैपेसिटी इज 1,000 पर मंथ एंड द सेल्स टू द इंटरमीडिएट नाउ 800 यूनिट शुड 200 यूनिट्स बी ट्रांसफर्ड टू बी
ऑन लॉन्ग टर्म एवरेज प्राइस बेसिस. वॉट वुड बी द ट्रांसफर प्राइस इफ द मैनेजर ऑफ डिविजन बी शुड बी केप्ट मोटिवेटेड. इफ आउटसाइड मार्केट इंक्रीजेज 1000 यूनिट्स शुड डिविजन ए कंटिन्यू टू ट्रांसफर 200 यूनिट्स ऑफ डिविजन बी और सेल एंटायर प्रोडक्शन टू ऊपर से नीचे तक आए. ऊपर से नीचे तक आए आपको कुछ समझ में नहीं आया. ऊपर से नीचे तक हम लोग आए आपको कुछ समझ में नहीं आया. एग्जाम में आप सबसे पहले नज़र उठा के देखिए, आपको लगेगा हम साथ साथ हैं. आपको नज़र उठा के एग्जाम में देखना है और आपको लगेगा यार हम तो साथ साथ हैं. तो आप जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 10. ए बी साइकिल लिमिटेड, तो पहले गिवन करके स्टार्ट करने का. गिवन गिवन ए बी साइकिल हैज टू डिविजन्स. दिस इज योर ए बी. ओके, विच मैन्युफैक्चर बाइसाइकिल. ओके, डिविजन ए प्रोड्यूस बाइसाइकिल फ्रेम फॉर डिविजन बी असेंबल रेस्ट ऑफ द बाइसाइकिल फ्रेम. देर इज ए मार्केट फॉर सब असेंबली एज वेल एज प्रोडक्ट. ये फ्रेम बनाएगी और ये फाइनल प्रोडक्ट बनाएगी. ईच डिविजन हैज बीन ट्रीटेड एज ए प्रॉफिट सेंटर. द ट्रांसफर हैज बीन सेट एट ए लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन एवरेज मार्केट प्राइस. द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल इन ईच डिविजन. एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज 3000. लॉन्ग रन मार्केट प्राइस ऑफ सब असेंबली, इसका मतलब सेलिंग प्राइस इज 2000 पर यूनिट. इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग सब असेंबली इन डिवीजन बी, इट मींस इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1500 रुपीज पर यूनिट. इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज 1200. इफ द डिवीजन ए मैक्सिमम कैपेसिटी, इट मीन्स इसका कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स पर मंथ एंड सेल्स टू इंटरमीडिएट नाउ 800, इट मीन्स आपका आउटसाइडर को आपका सेल है 800 यूनिट्स. शुड 200 यूनिट्स बी ट्रांसफर टू बी ऑन लॉन्ग टर्म एवरेज प्राइस बेसिस. इसका मतलब बैलेंस जो आपका है 200 यूनिट्स, क्या उसको 2000 में ट्रांसफर करना चाहिए? ये क्वेश्चन है. आप जरा समझ लीजिए. पहला ये ए बी है. ए बी के दो हैं, एक फ्रेम हम सेल करते हैं, एक फाइनल प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं. सेलिंग प्राइस 2000 है, सेलिंग प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट 3000 है. इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1200 है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1500 है. कैपेसिटी 1000 यूनिट्स का है. आउटसाइडर को 800 यूनिट्स हम लोग सेल कर सकते हैं. बैलेंस 200 यूनिट्स हम लोग ट्रांसफर प्राइस बेसिस पे 2000 रुपीज ट्रांसफर प्राइसिंग बेसिस पे हमको सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आंसर ये हमको तो करना चाहिए, हमको क्या दिक्कत है भाई. हमको तो 2000 मिल रहे हैं, हमको 2000 रुपये मिल रहे हैं और हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है, तो अभी हमारा तो 800 का प्रॉफिट तो हमको मिलेगा ना. इफ डिविजन एज मैक्सिमम कैपेसिटी 1000 एंड सेल्स टू इंटरमीडिएट नाउ 800, सो 200 यूनिट्स बी ट्रांसफर टू बी ऑन लॉन्ग टर्म. यस, ये हमको 2000 दे रहा है और हमारा कॉस्ट कितना है 1200, तो भी हमको 800 का तो प्रॉफिट है ना, हम तो ट्रांसफर करेंगे ना, हमको क्या दिक्कत है, हमको तो 800 का प्रॉफिट तो मिल ही रहा है ना. मरेगा कौन? मरेगा बी. क्यों मरेगा? ये 2000 इसको देगा ट्रांसफर प्राइसिंग का, 1500 खुद खर्चा करेगा, इसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा 3500 और प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है 3000, तो इसको लॉस कितने का हो जाएगा? बोलो, इसको लॉस हो जाएगा 500 रुपए का. तो हम तो बेचेंगे, आंसर वन तो बिलियर. डिवीजन ए शुड ट्रांसफर टू डिवीजन बी,
बिकॉज देर इज ए इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑफ 800 इंटू 201,60,000, मरेगा कौन? मरेगा बी. ओके, तो ये क्या बोल रहा है, वॉट वुड बी द ट्रांसफर प्राइस इफ डिविजन, इफ मैनेजर ऑफ डिविजन बी शुड बी केप्ट मोटिवेटेड. अगर आपको इस डिविजन को मोटिवेट करना है, अगर आपको इस डिविजन को मोटिवेट करना है, तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपका मार्केट प्राइस, आपका ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए, आपका ट्रांसफर प्राइस क्या हो. अब देखो, डिवीजन ए इज फ्रॉम दानी की कॉस्टिंग, डिवीजन बी मैनेजर इज फ्रॉम दानी की कॉस्टिंग. डिवीजन ए मैनेजर उसको बोलता है डिवीजन बी को कि सी आई वांटेड टू मीट यू, तो बोलता है कि मुझे मिलना है. वो बोलता है भाई भाई क्यों मिलना है भाई, व्हाट हैपन, क्या हो गया ऐसा, क्यों मिलना है तेरे को. बोले नहीं नहीं ऐसे ही जस्ट. बोले नहीं आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग, क्योंकि मुझे तो 500 का. अरे बोलते हैं नहीं यार ऐसे नहीं है, अपन बैठते हैं, मिलते हैं, दारू वारू पीते हैं थोड़ा. उसको एक एक पैग लगवाता है, उसको बोलता है देख भाई तू भी डीकेसी से, मैं भी डीकेसी से हूँ, है ना, दोनों ने दानी सर से पढ़ा है कॉस्टिंग, पागल जैसी क्या बात कर रहे हैं. देख मेरा कॉस्ट कितना है 1200, मेरा कॉस्ट कितना है 1200, तेरा कॉस्ट कितना है 1500, मिलकर के कॉस्ट कितना हुआ 2700, फाइनल प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है 3000 में, तो अभी हमको 300 का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं. मेरा कॉस्ट 1200, तेरा कॉस्ट 1500, मिलके हो गया 2700, कस्टमर दे रहा है 3000, तो 300 का प्रॉफिट हो रहा है. क्यों जाने देता है, हाफ हाफ कर लेते हैं ना, मैं तेरे को ट्रांसफर कर दूंगा, इट मीन्स 50-50 किया तो 150 प्रॉफिट मेरा, 150 मेरा, तो ट्रांसफर प्राइसिंग हो जाएगा 1200 प्लस 150 इज 1350, 150 का मुझे प्रॉफिट, 150 का तुझे प्रॉफिट. तो यार बात तो सही है. घर पे आता है, वाइफ बोलती है भाई व्हाट हैपन, किधर गए थे. बोले नहीं नहीं, बोले नहीं बताओ किधर गए थे. बोले इधर. क्या बात हुई. बोले ऐसा ऐसा बात. बोले तू पागल है. उसका इन्वेस्टमेंट कितना है 1200, तेरा इन्वेस्टमेंट कितना है 1500, तो उसको 150 क्यों प्रॉफिट देने का. इसका मतलब शेयर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू वेरिएबल कॉस्ट. अगर आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए तो आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है 300 जो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है 3000 माइनस ए का कॉस्ट 1200 माइनस बी का कॉस्ट 1500, मिलके प्रॉफिट 300 एंड 300 यू डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 1200 इज टू 1500, 133,167. तो इनका प्रॉब्लम होगा नहीं. इट मीन्स ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द रिलेशन टू वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट और ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन को हमने डिवाइड किया इन द रेशियो ऑफ वेरिएबल. अब इसको क्या मिलेगा 133 प्रॉफिट, इसको क्या मिलेगा 167. तो थर्ड पार्ट में वो क्या बोल रहा है, इफ आउटसाइड मार्केट इंक्रीजेस टू 1000, इफ द आउटसाइड मार्केट इंक्रीजेस टू 1000, शुड डिवीजन ए कंटिन्यू टू ट्रांसफर 200 यूनिट्स टू डिवीजन बी और सेल. अब अगर पहले उसका 800 सेल हो रहा था आउटसाइड, अब उसका हो रहा है 1000, अगर वो आउटसाइड को सेल करेगा तो उसका कॉस्ट है 1200, बिक रहा है 2000 में, तो 800 का प्रॉफिट है और ट्रांसफर करने में उसको कितना मिल रहा है 133. तो अब वो नहीं करेगा, बोलेगा ठीक है बेटा, अब तो तेरी वाइफ की बात मान, बहुत उछल रहा था ना, तेरी वाइफ ने क्या बोला, नहीं नहीं मेरा तो 800 रुपये में प्रॉफिट में बिक रहा है, मैं तेरे को क्यों ट्रांसफर करूँ. अब जरा देख लीजिए एक एक पार्ट को ना. आंसर वन, यस डिवीजन ए शुड ट्रांसफर टू डिवीजन बी, यस डिवीजन ए शुड ट्रांसफर टू डिवीजन बिकॉज देर इज एन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑफ 200 यूनिट्स इंटू 800. 800 रुपए का प्रॉफिट है, 200 यूनिट्स है 1,60,000. आंसर टू, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन. आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है 1200, 1500, सेलिंग प्राइस 3000, आपने कितना कमाया 300, 300 को डिवाइड किया 133,167. सो ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू 1200 प्लस 133, आपका ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा 1333. एंड थर्ड में बोल रहा है नो बिकॉज प्रॉफिट टू बी, तो उसको मिलेगा ओनली 133 प्रॉफिट, और अगर वो आउटसाइडर को बेचेगा तो 800 रुपीज. दैट्स इट फ्रेंड्स. आप बताइए परफेक्टली आपको क्लियर हुआ कि नहीं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सीए फाइनल एग्जाम में ये आया हुआ भी है.
एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मजा आ रहा है तो राधे राधे जरूर लिखिए वीडियो में। ओके, थैंक यू।